देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। कैलारस में इन दिनों नगर परिषद अपनी कारगुजारियों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। जहां एक तरफ नगर परिषद कैलारस निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर विवादों में है, तो वहीं दूसरी तरफ साफ सफाई स्वच्छता को लेकर भी विवादग्रस्त बनी हुई है। कहने को तो कागजों में सफाई अभियान के नाम पर लाखों के फर्जी भुगतान हुए हैं, जिसकी शिकायत परिषद के 10 वार्डों के पार्षदों द्वारा प्रशासन से लेकर प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा सहित लोकायुक्त में हो चुकी है। बावजूद इसके भी स्वच्छ अध्यक्ष सीएमओ की हिटलरशाही से आमजन गंदगी में जीने के लिए मजबूर है। जब हमारे खबरनवीस ने इस संबंध में पड़ताल की तो अशोक गली पुरानी सब्जी मंडी तिलक गली पालघर रोड सरस्वती विहार गली आज में जगह जगह पर कचरों के ढेर और जलभराव की समस्या से रहवासी जूझते नजर आए। यहां आपको बता दें कि देश भर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत नगरीय निकाय में भी सेटिंग पद्धति लागू है, फिर भी कैलारस में गंदगी का अंबार इस अभियान को मुंह चिढ़ाता नजर आता है। इनका कहना है कि गौरव सिंघल निवासी अशोक गली में रहता हूँ, हमारे यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी की रोड पर कचरे का ढेर लगाते हैं, कई बार नगर पालिका में शिकायत कर चुके हैं, फिर भी सफाई व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डॉक्टर धनीराम कुशवाहा ने कहा कि मैं सरस्वती विहार कॉलोनी में निवास करता हूं, सुबह सुबह नगर परिषद के सफाई कर्मचारी रोड पर कचरे का ढेर लगा देते हैं, जिससे गंदगी पनप रही है, बीमारियां जन्म ले रही हैं। कई बार अध्यक्ष से शिकायत कर चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती, ऐसा लगता है मानो पूरी नगर परिषद बहरी हो चुकी है। बालकृष्ण गौरव सीएमओ अब कचरा उठाएगा और साफ सफाई की जिम्मेदारी कंपनी को दे दी जा चुकी है, हम इसके जवाबदेह नहीं है, पर फिर भी समस्या है तो हम कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों को सूचित करते हैं। धनीराम कुशवाहा जी, आप मुझे ये बताएं, नगर परिषद कैलारस द्वारा स्वच्छता अभियान जारी है, साफ सफाई की व्यवस्था को लेके काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्या आपकी गली में आपके मोहल्ले में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त है? हमारी गली मोहल्ले आसपास के एरिया में कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, और हमने कई बार वर्तमान अध्यक्ष को अवगत करा चुके हैं पर आज तक उस पर कोई गौर नहीं किया गया, ना ही तो देखने के लिए आए। हमने यहाँ भी कहा था कि आप यहाँ कम से कम स्थल निरीक्षण तो कर लो, मौका देख लो कि क्या स्थिति है, पर उसके बाद भी वो न तो आए और न वो अब यहाँ कीचड़ खड़ी हुई है, रास्ता जाम थी, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं और उनके आने जाने के लिए रास्ता जाम थी, और चूरों से पत्ताओं से गाड़ियों से उसमें मैं ये जानना चाह रहा था जो सफाई व्यवस्था जारी है, क्या आप उस सफाई व्यवस्था से कतई संतुष्ट नहीं है? अरे कतई संतुष्ट व्यवस्था नाम की चीज नहीं, आपके यहाँ क्या दिक्कत है सफाई को लेकर? हम अगला आते हैं झाड़ू, झाड़ू भी आप ही को लगानी पड़ रहा, अपने सामने जिस पूरे एरिया में मैं स्वयं झाड़ू लगा सफाई। मैं ये जानना चाह रहा था आप सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, तो इसको लेके आपने कहीं कोई शिकायत वगैरह की है प्रशासन से? प्रशासन के अध्यक्ष को बताते हैं, लोकल का नेता तो वही है बीजेपी का या नगर पंचायत का, तो उनको हमने कई बार बताया पर उसके बाद भी आज तक कोई नहीं। अभियान जारी है, उस क्रम में अपने नगर परिषद कैलारस में भी स्वच्छता अभियान चल रहा है, क्या आप इस स्वच्छता अभियान से संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं है सर, कैलारस से तो हम पूरी गली बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है चीज़ से, तुम देख सकते हो कि पूरा खाली प्लॉट जो है पीछे क्या इतनी गंदगी दे रखी है, इतनी गंदगी हो रखी है कि कम से कम एक साल हो गई इसको कोई नगर पालिका का कोई भी ध्यान नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर कई लोग बीमारी इसकी जो होने वाली बीमारी होती है, कई लोग जूझ रहे हैं, मलेरिया है, डेंगू है, काफी मतलब खतरनाक बीमारियों के ही सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद कैलारस द्वारा सफाई व्यवस्था कैसी है, ये जो परिषद की पूछी जाए तो खुद नगर परिषद के जो कर्मचारी है, जो लेबर वर्क के साफ सफाई करता है, वो खुद इस जगह पे ही खुद गोबर वगैरह डेली सुबह डाल के जाते हैं और दो तीन दिन तक पड़ा रहता है, और काफी सारी गंदगी मच्छर वगैरह होते ही रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, दो तीन बार कंप्लेंट भी कर रखी है, एक से कैच भी कंप्लेंट कर रखी है, लिखित में आवेदन भी दे रखा है नगर पालिका को, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने जो शिकायत की, शिकायत के बाद कोई नगर पालिका का कर्मचारी मौके पे आया मौका देखने के लिए? अभी नगर पालिका से तो आए थे, एक बार चेक भी कर गए थे, एक सौ इक्यासी पे भी डाली थी कंप्लेंट, उस पर भी लोग आए हुए थे, पर अभी तक कोई मतलब सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं हो रखा चीज। सफाई व्यवस्था ध्वस्त है? अरे बिल्कुल ध्वस्त हो रखी है, टोटल ध्वस्त हो रखी है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।